नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र की जो वार्षिक परीक्षा फीस है मोबाइल के माध्यम से कैसे जमा करें। बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे हम, कोई QR स्कैन नहीं करना होगा, कोई UPI एंटर नहीं करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, सबसे पहले कोई ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ पर RSK पोर्टल लिख कर सर्च कर लेंगे। ऊपर सबसे पहले ही लिंक पर पुनः क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद आप आ जाएंगे राज्य शिक्षा केंद्र के लॉगिन पेज पर। यहाँ पर स्कूल की PSID और पासवर्ड दर्ज करके यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्राइवेट सेलेक्ट कर लेंगे और कैप्चा कोड दर्ज कर लेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम स्कूल के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएँ कक्षा 5-8 एग्ज़ाम 2023-24, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर ही एनुअल एग्जामिनेशन फीस, यहां पर पुनः क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आप अपने स्कूल की जानकारी को मिलान कर लें, कितने बच्चे 5वीं में और कितने बच्चे 8वीं में परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जानकारी मिलान कर लें। जितने बच्चे कक्षा 5वीं और 8वीं में सम्मिलित हुए थे उस अनुसार यहाँ से फीस प्रदर्शित होगी। जो फीस यहाँ प्रदर्शित होगी वही फीस आपको भुगतान करना है। भुगतान करने के लिए आप चेक बॉक्स पर क्लिक करें, यहाँ देख सकते हैं, और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो SBI ePay का पेज आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर समरी का पेज आ गया है। यहाँ से ऑर्डर समरी का एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि कभी पेमेंट फेल हो जाता है तो इस नंबर की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम थोड़े नीचे चले जाएँगे और यहाँ देख सकते हैं पेमेंट करने के मेथड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। इसमें हम UPI, फ़ोनपे, पेटीएम का ऑप्शन चुन लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं हम यहाँ इंटर UPI इंटर करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, एक ऑप्शन दिया गया है। और UPI इंटर करने के बाद वैलिडेट UPI ID को क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सरल ऑप्शन जो है UPI QR इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो एक QR कोड प्रदर्शित होता है। यहाँ हम बिना QR कोड स्कैन किए पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ नीचे देख सकते हैं पे नाउ का एक बटन है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन में जो फ़ोनपे या Google Pay है इंस्टॉल है, वहाँ सीधे आपको ले चलता है मोबाइल और फ़ोनपे को खोल लेते हैं। यहाँ से पेमेंट अमाउंट दिखाई देगा, पे अमाउंट पर क्लिक करेंगे और UPI इंटर करेंगे। UPI इंटर करने के बाद आपका पेमेंट सफलतापूर्वक हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और यह रसीद भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आप 1-2 मिनट इंतज़ार कर लें, इस तरह से पेमेंट होने का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही RSK पोर्टल के होम पेज पर जाते हैं तो आपको रसीद प्राप्त नहीं होती है। यदि आपको रसीद ना मिले तो आप परेशान ना हो, कुछ देर इंतज़ार कर लें और इसके बाद पुनः RSK पोर्टल के होम पेज पर जाएं और एनुअल एग्जामिनेशन फीस पर पुनः क्लिक करें तो आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा। इस मैसेज से परेशान ना हो, कुछ देर और इंतज़ार करें और पुनः एग्जामिनेशन फीस 2023-24 पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी पेमेंट रसीद प्राप्त हो जाएगी। इस रसीद को आप प्रिंट कर लें या अपने मोबाइल में सेव करके रख लें। तो साथियों, यह थी आज की जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।